तो दिल में भी जुमा सकते हैं चारों तरफ से सही जाएंगे नमक सब्जी भर के जगह तो ये हो जाएगा। मटर खा देगा है कहते हैं वो तरफ 1000 उल्टे ये देंगे हैं गांव जमा आ रहे हैं और देखो यमी लेकुम जाए फेसबुक पे अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो आज मैं दिन भर में क्या सब किया जुमा का नमाज आज जुमा था जुमा की नमाज पढ़ने गए सुबह सो के उठे फिर सब्जी यार नहीं था सब्जी यार खरीद के लाए क्या सब खरीद के लाए खाना बनाए फिर सब्जी को बनाए तो यही बारे में इस वीडियो में अपडेट दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए गुड मॉर्निंग मैं सो के हूँ देख सकते हैं आप अभी उठा तो अब नमाज की तैयारी करता हूँ। आज जुमा है जुमा की नमाज तैयारी करना ज़रूरी है तो मिलते हैं। हाय गाइस तो अब देख सकते हैं मैं सो के उठ गया हूँ हम जा रहा हूँ नहाने आठ की तैयारी करने के लिए खाना भी बनाना है खाना भी नहीं है तो सब कुछ रेडी करना है फिर नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो मिलते हैं। हाँ तो आप सब देख सकते हैं मैं फ्रेश हो गया हूँ तैयार हो गया हूँ बर्तन और भी धो लिया हूँ तो खाना अभी नहीं बनाऊँगा जुमा की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो उधर सब्जी और मिलता है सब्जी और ख़रीद के लेकर आऊँगा तो बनाऊँगा सब्जी। अभी फिलहाल सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं हल्का नाश्ता। हल्का नाश्ता में क्या कर रहा हूँ तो देखिए तो ये देख सकते हैं मैं हल्का नाश्ता में ये देखिए ये एक लिया हूँ ये इस टाइप का 4 बिस्किट है एक चॉकलेट लिया हूँ एक इधर केक है एक गिलास पानी है तो ये नाश्ता खाते हैं तो शुरू करते हैं। हाय गाइस तो मैं रेडी हो गया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ जुम्मा का चारों तरफ से मैं बाहर में हूँ अभी गाड़ी पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं समीम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह और सब कहाँ चल रहे हैं। बस यही चल रहे हैं मस्जिद में अल्लाह को याद करने जुमा का नमाज पढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सब। तो आप यहाँ का ड्राइवर लाइफ का कुछ बता सकते हैं बारे ड्राइवर लाइफ के बारे में तो ड्राइवर की लाइफ कोई लाइफ नहीं है ठीक है हाँ बस आदमी मुस्कुराता है लेकिन तकलीफ बहुत है। के लिए आए हैं तो कमाना तो पड़ेगा ना कमाने के लिए तो मजबूरी गम सब कुछ सहना पड़ेगा ना तब ना पैसा मिलेगा भाई। अल्लाह सबके दिन ठीक करे सबके कमाई में बरकत आता फरमाए कमाई में बरकत दे ठीक है। हाँ बाहर का भी लो तो ये देख सकते हैं ये सऊदी अरब है दोनों भाई जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये रोड देख रहे हैं ये गली का रोड है अपने इधर तो इतना बड़ा रोड हाईवे होता है खामोश लग रहा है बाकी दिन रोड पे एकदम गर्दी रहता है जाम रहता है गाड़ी चारों तरफ से नजर आता है। और ये धीरे धीरे मस्जिद भी आ गई ये देखिए मस्जिद का गुम्मत नजर आने लगा होगा वीडियो में ये देखिए बड़ी गुम्मत है मस्जिद जामा मस्जिद है ये बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद है बहुत बड़ी है ये देखिए अभी पार्किंग लगाऊंगा तो फिर चल के जाएंगे मस्जिद के अंदर नमाज आर पढ़ेंगे इधर सब्जी मार्केट आ रहा है सब कुछ मिलता है इधर कहाँ खड़ी तुम गाड़ी तो नमाज पढ़ लिए जुमा का नमाज पढ़ के जा रहे हैं जिसके साथ गाड़ी से गए थे वो गाड़ी वाला भाग गया पैदल चल के आए क्या करेंगे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं रूम पे पहुंच गया हूँ तो मैं नमाज पढ़ के रूम पे आ गया हूँ सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ सब्जी का सब खरीद के लाऊंगा
ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये गोभी लाया हूँ, सस्ता में था तो गोभी ले लिया हूँ एक मुट्ठी। ये सोया है, सोया लिया हूँ एक मुट्ठी। ये देखिए धनिया, ये धनिया है। अभी फटाफट मैं सब्जियाँ काटता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर खाना खाऊँगा। आज बहुत लेट हो जाएगा, करीब यहाँ सऊदी अरब का 3 बज जाएगा। खाना बनाते हुए तब खाना खाना है, तो मिलते हैं। तो देखिए मैं प्याज मिर्चा लहसुन टमाटर काट लिया हूँ, ये देख सकते हैं। इधर गोभी आलू भी काट के धो लिया हूँ, इसको भी धो लिया हूँ मैं। तो इधर पतीला है, इसमें तेल दिया, तेल गर्म हो जाएगा फिर फ्राई करेंगे। इधर देखिए मैं चावल बना रहा हूँ, यानी कि चावल बन गया है। तो देखिए इसमें मिर्चा धनिया दालचीनी लौंग डाले धुला गया है। तो ये देख सकते हैं मैं सोया और धनिया एक एक मुट्ठी काट लिया हूँ, काट के धो के रख दिया हूँ। इधर देखिए मेरा प्याज भी फ्राई हो गया है, देख सकते हैं। तो देखिए मैं सब कुछ रेडी कर दिया हूँ, पानी और सब कुछ डाल दिया हूँ इसमें। अब ये 20-25 मिनट में हो जाएगा रेडी, तो फिर मैं खाना खाऊंगा। इस वीडियो पर टच किए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब, उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो मैं सब दिन की नाइट ड्यूटी पर हूँ, गाड़ी में आ गया हूँ, आप सब देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं सब दिन की नाइट ड्यूटी जाऊँगा, सब कुछ होरूँगा, फिर लाऊँगा, फिर आऊँगा, किधर जाता हूँ किधर आता हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, क्या बनाता हूँ, क्या सब खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसे आता हूँ, हाउस ड्राइवर लाइफ क्या है। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से आखिरी यानी कि पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हाउस ड्राइवर लाइफ क्या होता है। सबको बताया था इससे पहले, मैं 5-6 भाग 7 भाग अरबी हिंदी से अरबी सीखना बोले कैसे, तो 5-6 भाग में बनाया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं वीडियो कौन कौन सा बनाए, 1 नंबर से 6 नंबर या 7 नंबर तक बनाए हैं। तो आप सब वीडियो जब देखिए, नए आदमी के लिए ज़रूरी है, आने से पहले ज़रूरी है सीख के आना। स्टार्ट करते हैं। दाइना को अरबी में यमीन बोलते हैं, बायां को अरबी में इसार बोलते हैं, आगे को गिद्दाम बोलते हैं, पीछे को वरा बोलते हैं, रुकने को वक्फ बोलते हैं, बीच को बीच में रुकने को बीच को वसत बोलते हैं, साइड में रुकने को साइड को जंप बोलते हैं, काम को सुकूल बोलते हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करो स्टार्ट को सगल बोलते हैं, पैसा को अरबी में फलूस बोलते हैं, 100 को मियां बोलते हैं, 200 को इतने मियां भी बोल सकते हैं, मितेन भी बोल सकते हैं, इसी तरह 500 को खमसा मियां, छित्ता सबा, 1000 को अल्फ बोलते हैं अल्फ, 2000 को अल्फाइन बोलते हैं, ठीक है। मैं बात करूँगा खाने के बारे में, नाश्ता को फतूर बोलते हैं, खाना को गदा बोलते हैं, रात को खाना को आशा बोलते हैं, या को मकद्दा बोलते हैं, कमल को पतनिया बोलते हैं, गद्दा को मर्तबा बोलते हैं, बेड को शरीर बोलते हैं। देखिए मैं रूम पे जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, अभी मैं रोड पे हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। ये आगे जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये बिल्डिंग अलग कैफे है, मॉल का है, इसमें सामान और मिलता है। आगे इसके आगे भी ये रोड है, ये लोकल रोड है, हाईवे रोड नहीं, हाईवे रोड पे हम वीडियो नहीं बना सकते हैं।
मुश्किल होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे यूथेर करेंगे तो अरबी में इसको यूटेन बोलते हैं। देखिए ये अलग कैफे मॉल है। देखिए मैं इधर देख रहे हैं अपने लोग इंडिया में गांव घर में ये बिजली का खंभा रहता है, वही है बिजली का खंभा है, देख सकते हैं वीडियो में। ये माटी लोग माटी सब जमा है, यानी कि छोटा पहाड़ है। ये रोड है, अब बीच में जो खजूर का गाछ आर देख रहे हैं उस साइड रोड है आने का, इस साइड से अभी जा रहे हैं हम। बीच में गाछ लगा हुआ रहता है, यहाँ हर रोड पे ये मिलेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा आउट इलाका है, चारों तरफ ये बिजली पावर का पोल है, बिजली है और मिट्टी जमा जमा है। इधर दुकान है, वकाला है, दुकान को वकाला बोलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये बोलते हैं राइट को यमीन बोलते हैं अरबी में, राइट जैसे कि राइट जाना है तो यमीन बोलेंगे, इशार जाना है तो लेफ्ट अपना के लेफ्ट बोलते हैं तो अरबी में। अभी देखिए मैं यूथेर करूँगा, यानी यूटेन करूँगा अरबी में, यूटेन। ये देखिए मैं यूटेन कर लिया, तो यानी कि हिंदी भाषा में ये अपने आर को जो बोलते हैं दाहिना को यमीन, बायां को यहाँ इशार बोलते हैं, इंग्लिश में तो राइट लेफ्ट हो गया। यूथ जैसे नया नया में आप आते हैं, अपने मुलाकात होता है तो सलाम दुआ होता है। कपिल बोलता है सलाम अलैकुम कैफ हाल मोहम्मद, तो इसका मतलब है सलाम अलैकुम जवाब देना है। कैफ हाल का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अंत कैफ यानी कि अंत कैफ आप कैसे हैं। को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे थे ज़रूर दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा अच्छा सा अच्छा अपडेट लाने का, अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने का आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा आप सब।